बांग्लादेश के गोपालगंज में सेना पर हमला हुआ है। शेख हसीना के समर्थकों पर हमले का आरोप है। तो वहां पर तख्ता पलट के बाद जो हिंसा का दौर है वो थमा नहीं है, हिंसा वहां पर अभी भी चल रही है, देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि जो शेख हसीना के समर्थक है उन्होंने ये हमला किया है। जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। तो जम्मू कश्मीर में भी देखिए, यहाँ पर भी तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन हुआ। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, इस तरह के बैनर्स यहाँ पर लोग लेकर पहुंचे, हाथों में तिरंगा लेकर वहां पर लोग पहुंचे। और जो तमाम वहां पर बांग्लादेश में हिंदू हैं जो फंसे हुए हैं उनके लिए, उनके समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग इसमें शामिल हुए। बांग्लादेश के हालात पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इमंता की तरफ से बयान आया है, अभी वही हालात बने हुए हैं, हालात वहां पर ठीक नहीं है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया। कांग्रेस की चुप्पी पर भी हमला बोला। हमारा इतना ही विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जरूर बांग्लादेश का सरकार का साथ या जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसमें काम करेगा और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगा, लेकिन फिलहाल हालत बहुत खराब है और इतना खराब है कि बोला भी नहीं जा सकता।